प्यारे छात्रों, मैं विकास राज आपके साथ ऑनलाइन जुड़ रहा हूँ इस YouTube चैनल के माध्यम से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश भारत कई दिनों से लॉकडाउन में है और न जाने अगर कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्तियों की जनसंख्या अगर दिन प्रतिदिन आगे ऐसे ही बढ़ते रहे तो बिल्कुल सत्य बात है कि अगर आगे भी लॉकडाउन रहेगा तो इन्हीं चीजों को देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया है कि क्यों ना हम लोग घर बैठे ही स्टडी को भी जारी रखें, स्टडी अपने आप को करते रहें, इसको रोका ना जाए। इसी को देखते हुए प्यारे छात्रों, अपने घरों में ही मैं ये सभी चीजों को फिट किया है। आपके सामने जो बोर्ड दिख रहा है इसको मैंने कल ही फिट किया है, ये माइक दिख रहा है इसको भी, जो भी ये सब सारे मटेरियल्स कोचिंग में थे, जो बुक थे, मार्कर वगैरह जो देख रहे हैं आप सभी, सभी ये सब कोचिंग में रखा हुआ था। मैंने डिसाइड किया, दो दिन पहले डिसाइड किया इसको कि क्यों ना हम लोग इसको घरों में फिट करके और छात्रों तक इसको पहुंचाया जाए। तो फिट हो गया है सब कुछ। तो एक इंट्रोडक्शन के माध्यम से मैं अभी आपके सामने पेश आ रहा हूं। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, क्योंकि कोई भी चीजों को अगर नई चीजें लागू होती है तो डायरेक्ट चीजों को लागू कर देना, स्टार्ट कर देना, दैट इज नॉट गुड, उतनी अच्छी बात है नहीं। तो क्यों ना हम लोग उसके बारे में पहले जानेंगे कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे, जो ऑनलाइन स्टडी दी जाएगी उसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, कितना से कितना बजे तक रहेगा, क्योंकि उसके लिए भी टाइमिंग फिक्स रहेगी। ऐसी नहीं है कि आप हमेशा फोन में लगे रहो और कब वीडियो जाएगी, उसके लिए कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। तो हम लोग बहुत सारी चीजों पे आज बात करने वाले हैं कि किस टाइम पे आपके ग्रुप में ये जो शेयर की जाएगी। या फिर बहुत सारे छात्रों का ये कहना होगा कि सर आप ऑनलाइन कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो सबका हम जवाब देने वाले हैं कि हम जो है यहाँ से ऑनलाइन आपके पास जो वीडियोज को भेजेंगे या फिर आप इस चीजों का लाभ उठाएंगे तो आखिर वो हम काम कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात, मेरा पहला एक कर्तव्य है कि आपको एक बात बताना कि जो आप अभी ये सोच रहे हैं कि हमारे आसपास गांव में तो नहीं है कोरोना वायरस और आप बिल्कुल बेहिचक आप घरों से निकलते जा रहे हैं और बहुत जरूरी नहीं होने पर भी आप घरों से बाहर निकल जा रहे हैं, तो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि बहुत दिन पहले हमारे भारत में भी एक भी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति नहीं थे, लेकिन आज यही संख्या 7000 के पार होने वाली है। तो इन बातों को आप सही समझते हुए आप एक प्रण कीजिए कि बहुत जरूरी होने पे ही घर से बाहर निकले, और आपकी सेवा के लिए मैं आप देख पा रहे हैं कि मैं इतना सारा कर सकता हूं, तो आप भी घर बैठे ही जो पॉसिबल है आप कीजिए। तो ये मेरा पहला कर्तव्य है आपको ये बताना, आपको जागरूक करना कि आप घरों में ही रहें और घरों से ही जितना पॉसिबल हो सके आप ऑनलाइन काम कीजिए, बहुत जरूरी पड़ने पे ही घर से बाहर निकलिए। तो एक मेरा कर्तव्य था कि आप लोग को जागरूक करना, आप लोग को बताना। मेरा उम्मीद भी है कि आप लोग बाहर नहीं निकलते होंगे। और अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक्स पे कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करेंगे और हम लोग कैसे अपनी चीजों को जारी रखेंगे। तो सबसे पहला बात कि जो भी हम लोग कोचिंग में पढ़ रहे थे, कोचिंग में तो चल रही थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, इस चार सब्जेक्ट चल रही थी, लेकिन अभी जो हम लोग ऑनलाइन पे आए हुए हैं, ऑनलाइन पे जुड़े हुए हैं, तो इसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये तीन सब्जेक्ट रेगुलर पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। और प्यारे छात्रों, ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो हम लोग ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं, ये अभी फिलहाल 12th क्लास के लिए ही है, यानी कि 12th क्लास का एक ट्रायल के रूप में आप बोल सकते हैं। हमने ये डिसाइड किया कि एक ही साल था, सभी क्लास को अलाउ कर देना दैट इज इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए हम अभी सिर्फ 12th क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं। और 12th क्लास का डेली फिजिक्स होगा, डेली केमिस्ट्री होगा और डेली मैथ्स होगा। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अब जो स्टूडेंट साइंस स्किल में पढ़ रहे होंगे, तो उनका जो सिलेबस कोचिंग में चल रहा था, जो साइंस स्किल में पढ़ने वाले छात्र हैं, जो
वहां कोचिंग में पढ़ाई हो रहा था, जस्ट उससे आगे ही आपको यहाँ ऑनलाइन पे मिलेगा। यानी कि जितना आप कोचिंग में पढ़ रखा था पहले, उससे जस्ट आगे आपको ऑनलाइन में सभी चीजें मिलेंगी। हम आपको ये याद दिला देते हैं कि हम लोग जो फिजिक्स में पढ़े थे, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पूरी तरीके से हम लोग कंप्लीटली पढ़ लिए थे, जिसमें गॉस लॉ वगैरह भी था। तो ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म कर लिए थे हम लोग, यानी कि स्थिर वैद्युतिकी, इसको हिंदी में बोला जाता है स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ लिए थे, हम लोग पढ़ रहे थे धारा विद्युत, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत। अब धारा विद्युत में जो चैप्टर है वो, ये तो खंड होगा ना, जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि ये सब खंड है, अब खंड का भी नीचे चैप्टर है ना। तो ये खंड वन तो हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी चैप्टर थे वो हम लोग पढ़ लिए थे। अब ये खंड टू है, खंड टू में, खंड टू का नाम है धारा विद्युत, इसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इस खंड में जो चैप्टर है वो हम लोग फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं वो एक अलग अलग तरीके का सिक्स खंड है, छह खंड है, और छह खंड का उसके अंदर का चैप्टर भी है, ठीक है। तो हम लोग खंड एक को पूरा तरीके से खत्म कर लिए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जितने भी चैप्टर थे उसको पढ़ लिए थे। अब धारा विद्युत हम लोग खंड स्टार्ट किए थे, वो खंड नंबर दो है, और इसका पहला चैप्टर का नाम है विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ एवं क्रीकहॉफ के नियम, क्रीकहॉफ के नियम, क्रीकहॉफ के नियम। तो ये पहला जो चैप्टर है ये हम लोग का अभी चल रहा था कोचिंग में, और फिर जो लॉकडाउन का आदेश हुआ उसको मतलब बंद करने का, तो फिर हम लोग का कोचिंग बंद हो गया और फिर पढ़ाई में बाधा पहुंचने लगी थी। तो इसमें जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हम लोग कौन से टॉपिक तक के पढ़े थे, तो क्रीकहॉफ के नियम तक के पढ़े थे, क्रीकहॉफ के नियम। और दोनों नियम, एक जो जाल के लिए, यानी कि अगर बहुत सारी अगर परिपथ में वायर अगर फैला हुआ है, जुड़ा हुआ है, उसके लिए भी हम लोग कैसे निकालते हैं टोटल करंट, वहां भी हम लोग पढ़े थे इस क्रीकहॉफ के नियम से। अच्छा, क्रीकहॉफ का नियम हम लोग कंप्लीट हो गया, तो अब इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। यानी कि दोस्तों जो भी हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे तो पढ़ाई कहां से स्टार्ट होगा, तो डायरेक्टली स्टार्ट होगा खंड टू का धारा विद्युत वाले चैप्टर, पहला चैप्टर विद्युत परिपथ एवं क्रीकहॉफ के नियम से व्हीटस्टोन ब्रिज। दोस्त ये वीवीआई पॉइंट्स है, वीवीआई टॉपिक्स है इस चैप्टर का, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पूछता है। इसका आपको यूज पड़ेगा कि अगर उसका जाल व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा रहेगा तो हम लोग कैसे टोटल करंट फाइंड आउट करेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, मतलब कि इसमें हम आपको एक इंट्रोडक्शन के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जो वीडियोज आएंगी अगले दिन से वो कहां से हम लोग को फिजिक्स स्टार्ट होगा, राइट। अच्छा, ये तो रहा फिजिक्स का बात, और फिर हम लोग बात करते हैं कि केमिस्ट्री कहां से स्टार्ट होगा। तो केमिस्ट्री के लिए हम बात कर रहे हैं, प्यारे छात्रों, जो केमिस्ट्री में हम लोग की कोचिंग में पढ़ाई चल रहा था वो आपको तो जैसा कि हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि केमिस्ट्री हम लोग अक्सर आईएससी के लिए, यानी कि इलेवेंथ और ट्वेल्थ के लिए तीन भाग में बढ़ता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो फिजिकल पढ़ रहे थे, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। और पता है ना फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल पांच चैप्टर है, नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगर ये पांच चैप्टर खत्म करते हैं तब हम लोग केमिस्ट्री का एक भाग पूरा होता है जिसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। अब हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर को डन कर लिए थे जिसको नाम है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट पढ़ लिए थे, फिर दूसरा में है सॉल्यूशन, बिलियन,
दूसरा चैप्टर में है विलयन, इसको भी हम लोग डन कर लिए। पहला तो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, राइट। तो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का नंबर वन चैप्टर, नंबर टू चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए थे। हम लोग को जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में चल रहा था वो चल रहा था तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है वैद्युत रसायन, हिंदी में बोले तो वैद्युत रसायन, और अंग्रेजी में बोले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें हम बहुत सारी चीजों को पढ़े थे, वैद्युत अपघट्य क्या होता है, वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, वैद्युत अनअपघट्य क्या होते हैं, कैसे हम लोग सेल बनाते हैं। यानी कि पूरी तरीके से इसमें ये बात हम लोग सीखे थे कि एक रसायन यानी कि एक केमिकल की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे करते हैं, इसमें हम लोग सीखे थे। और पूरी तरीके से सीख नहीं पाए थे क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति आ गई थी, हम लोग की छुट्टी हो गई थी। तो इसमें हम लोग जो चैप्टर चल रहे थे यानी कि तीसरा चैप्टर में हम लोग विद्युत रसायन में जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर कौन सा, सॉरी जो टॉपिक्स चल रहा था वो कौन सा चल रहा था, वैद्युत रसायन में जो हम लोग पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हम लोग शेल अभिक्रिया को कैसे लिखा जाता है। यानी कि आपको हम बताए थे कि अगर ZN है, ZnSO4 है, ये हम लोग सिखाए थे पहले कि शेल अभिक्रिया को लिखते कैसे हैं और सबका मीनिंग क्या क्या है। ये बता रहा है कि दो अलग अलग कंटेनर है, यानी कि ये जो डबल लाइंस होते हैं वो एक कंटेनर को बांटता है, यानी कि एक कंटेनर ये हो गया और दूसरा कंटेनर जैसे कि मान लिया CuSO4 और Cu, तो एक अलग कंटेनर हो गया। एक एग्जांपल के तौर पे हम बता रहे हैं कि हम लोग शेल अभिक्रिया को लिखना सीखे थे। और ये बताता है कि आप किसका इलेक्ट्रोड डुबो रहे हैं उस बर्तन में, उस वैद्युत अपघटनी सेल में, और वो है विलयन किसका, तो ZnSO4 का, जिसमें हम लोग जिंक का इलेक्ट्रोड डुबोए होते हैं। ये CuSO4 का विलयन है और इसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड डुबोते हैं और इसको लिखा जाता है ऐसे। इसका मतलब हुआ कि एक अलग सेल और ये एक अलग सेल, और इसका मतलब हुआ कि किसका हम इलेक्ट्रोड डुबा रहे हैं। जैसे ZnSO4 का सॉल्यूशन है तो उसमें हम लोग जिंक इलेक्ट्रोड डुबो रहे हैं, CuSO4 अगर मेरा सॉल्यूशन है उसमें हम लोग कॉपर को इलेक्ट्रोड के रूप में ले रहे हैं या फिर यूज किया जा रहा है। तो हम लोग यहां तक के पूरे तरीके से डन हम लोग कर लिए थे, यानी कि सेल अभिक्रिया को कैसे लिखा जाता है यहां तक के पढ़ लिए थे। अब इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नर्नस्ट का समीकरण, नर्नस्ट इक्वेशन, नर्नस्ट का समीकरण। यहां के बाद से हम लोग अगले वीडियोज में डायरेक्टली यही से स्टार्ट करेंगे, राइट। यानी कि एक इंट्रोडक्शन के तौर पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग फिजिक्स में अगले दिन से कहां से स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री में कहां से चलेगा, तो ये चीज हम लोग कर लिए यहां के बाद से। अब देखते हैं कि मैथ्स में हम लोग को क्या चल रहा था। तो मैथ्स में जो चल रहा था वो मैथ्स में हम लोग फॉलो कर रहे थे वो NCERT का बुक्स, यानी कि जो हम लोग क्लास में जैसे पढ़ते हैं दोस्त सेम वैसे ही आपको ऑनलाइन पे मिलेगा, बशर्ते एक फर्क रह जाता है। अब वो थोड़ा सा फर्क तो रह ही जाएगा ना, क्योंकि एक क्लास में एक स्टूडेंट के सामने eye-to-eye कॉन्टेक्ट होता है, अगर वहां पे किसी को भी प्रॉब्लम होगा तो एट अ डन। और दूसरी बात कि अब ऑनलाइन में थोड़ा सा डिफरेंट तो होगा ही है ना, तो हालांकि हम अपने तरफ से जो भी कोशिश करेंगे वो ताकि ऐसी कोशिश रहेगा कि आपको कोई फर्क देखने को ना मिले। यानी कि जैसे हम लोग NCERT बुक्स को फॉलो कर रहे थे इंस्टीट्यूट में वैसे ही यहां भी फॉलो होगा। और दूसरी बात कि जैसे हम लोग कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले या फिर कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसका हम लोग थ्योरी एक्सप्लेन करते थे, सेम आपको थ्योरी मिलेगा, यानी कि थ्योरी के बाद ही हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो हम लोग मैथ्स का अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहला बात कि फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, तो रिलेशन फंक्शन तो हम लोग पढ़े नहीं है, इसको लास्ट में पढ़ेंगे या फिर देखते हैं जब क्लास स्टार्ट होगा। तो रिलेशन फंक्शन अभी नहीं हुआ है हम लोग का। दूसरा दैट इज ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हम लोग पूरी तरीके से पढ़ लिए हैं, NCERT का हर एक क्वेश्चन, हर एक थ्योरी, हर एक फार्मूला वो सब हम लोग याद हुआ है, कर चुके हैं मतलब। फिर तीसरा में आता है मैट्रिक्स, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स। चौथा में आता है हम लोग का डिटरमिनेंट, क्या होता है डिटरमिनेंट, ये सब पढ़ लिए हैं।
और अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग कौन सा चल रहे थे, यानी कि एनसीईआरटी का दो बुक्स है, नंबर वन नंबर टू, तो नंबर वन वाले बुक में ही हम लोग अभी पढ़ रहे थे और नंबर वन बुक में पांचवां चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी। तो कंटिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी में हम लोग अभी कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ रहे थे कि किसको हम लोग कौन से फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलेंगे और किसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे, ये हम लोग पढ़ रहे थे। तो अब इसमें जो एक्सरसाइज है टोटल पांचवां चैप्टर में वो 5.1 से लेकर 5.8 तक की एक्सरसाइज है और हम इस चैप्टर को स्टार्ट ही किए थे, मतलब कि एक्सरसाइज स्टार्ट ही हुआ था कि फिर हम लोग का बंद हो गया था, यानी कि 5.1 एक्सरसाइज अगर मैथ्स में बात किया जाए तो 5.1 के क्वेश्चन नंबर 16 तक के डन हम लोग कर लिए थे। एक्सरसाइज के बेसिस पे सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करके उसको समझते हैं, ऐसे ही ना करते हैं हम लोग। तो इसमें 16 तक के क्वेश्चन को हम लोग डन कर लिए थे, यानी इसका मतलब तय है कि अगली क्लास में जो मैथ्स का क्लास होगा वो एक्सरसाइज एनसीईआरटी से ध्यान रहे, एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.1 यानी कि फर्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 17 से सॉल्यूशन दिया जाएगा, उसको समझाया जाएगा। तो प्यारे छात्रों, ये जो हम लोग का डिस्कशन चल रहा था कि कौन कौन से सब्जेक्ट को कैसे कैसे हम लोग करेंगे, कहां से पढ़ाई होगा और दूसरी बात किसको हम लोग करेंगे कैसे, जैसे कि क्लास में हम लोग करते हैं, जैसे मान लिया कि फिजिक्स में कोई चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसके बारे में बताया जाता है, कोई भी टॉपिक्स नया टॉपिक्स आता है उसका टॉपिक्स हम लोग देते हैं, फिर उसके नीचे एरो देते हैं, उसके नीचे उसके बारे में पॉइंट्स को लिखते हैं, समझते हैं, या फिगर होता है तो फिगर बनाते हैं। तो सेम आपको यहाँ पे मिलेगा, बशर्ते आपको क्या करना है कि जब भी ऑनलाइन आपके फोन में हम खुद शेयर करेंगे तो आपको कॉपी कलम और बुक्स भी साथ में लेकर बैठ जाना है, और जैसा कि अगर हम समझाते हैं आप चीजों को अच्छा से समझना है, और जो भी अगर हम एरो मार्कर लिखवाएंगे वो आपको एरो मार्कर वीडियोस को पाउच कर देना है अगर ज्यादा हम फ्लुएंटली बोले तो, और आपको नोट्स बनाना है जैसे क्लास में हम लोग करते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग को पढ़ाई करना है। और दूसरी बात कि मैथ्स में अगर एक तरीके का क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करिए, सेम अगर दूसरा तरीका का क्वेश्चन अगर वैसा आता है तो हम आपको बोल देंगे कि इसको ना आप सॉल्व कर लेना खुद से, हम इतना नंबर, यानी कि जो सेम क्वेश्चन रहेगा सेम लॉजिक से बनेगा क्वेश्चन उसको हम लोग छोड़ेंगे और आपका ये वर्क्स रहेगा, और जब भी क्लास खुलेंगी उस टाइम आप आई टू आई कॉन्टेक्ट कर लेंगे, एक साथ बैठ के हम उसको सॉल्यूशन कर लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब कि ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को कहां से स्टार्ट करेंगे, कैसे पढ़ाई करना है, तो इन चीजों को। अच्छा, अब दूसरी बात कि हम इसको आपके तक पहुंचाएंगे कैसे, तो साइंस स्किल के 12th का एक अलग ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, साइंस स्किल के 12th का एक अलग ग्रुप है और बहुत सारे छात्रों को हम जोड़ चुके हैं और फिर भी बहुत कुछ अभी बच जा रहे हैं, तो उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मान लिया जाए कि किसी से पढ़ने के लिए आप एक दो घंटे के लिए फोन ले लो, अगर आपके पास नहीं भी है तो, ज्यादा नहीं एक दो मंथ के लिए, एक दो मंथ सब ज्यादा ही बोल दिए, अब अगर लॉकडाउन खत्म होता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 12th ग्रुप का एक 12th का एक ग्रुप है, साइंस स्किल 12th ग्रुप, जिसमें हम बहुत सारे लोगों को जोड़ चुके हैं और बहुत सारे लोग बच भी रहे हैं। तो उस ग्रुप में हम डेली 3 सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, लगभग ज्यादा लॉन्ग वीडियोस नहीं रहेगा, लगभग 40 से 45 मिनट का वीडियोस रहेगा रोज, 40-45 मिनट का फिजिक्स, 40-45 मिनट का केमिस्ट्री, 40-45 मिनट का मैथ्स, यानी कि तीनों रहेगा 40-45 मिनट के बीच। अब तीनों जो वीडियोज है वो आपको डेली मिलेगा, अब टाइमिंग उसके लिए फिक्स कर देते हैं कि कब से कब तक मिलेगा। आपको 9 से 10 बजे तक फोन अपने हाथ में रखना है, 9 से 10 बजे तक आपको तीनों वीडियोस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये तीनों वीडियोस आपके फोन में आ जाएगा। अच्छा, अब जाएगा कैसे या फिर ये ऑनलाइन का माध्यम से हम लोग काम कैसे करेंगे, सबसे पहले जो हम यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं, ये सब माइक वगैरह सब फिट किए हैं उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो हम खुद कर देंगे। तो ऑनलाइन कैसे करेंगे वो हम बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले जो वीडियो हम शूट करेंगे वो हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। अब जैसे ही वो अपलोड हो जाएगा YouTube पे पूरी तरीके से, तो हम उससे जो लिंक प्रोवाइड होगा वो लिंक को हम शेयर कर देंगे आपको, ये जो 12th का ग्रुप है इस पे।
अब ये जो लिंक आएगा डेली तीन लिंक आएगा, एक फिजिक्स के लिए, एक केमिस्ट्री के लिए, एक मैथ्स के लिए, डेली तीन लिंक। अब आपको क्या करना है, तीनों लिंक को टच करना है और उसके पूरे वीडियोस को देखना है। इसके लिए जो मेरा एक साइंस स्किल का चैनल है यूट्यूब पे, आप उसको सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को भी कर लें, ताकि जो भी यहां से हम वीडियोज अपलोड करें वो डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, हमारा लिंक जो शेयर हो उस पर आप डिपेंड नहीं रह पाओ। इसके लिए आप उसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, वो ज्यादा आपके लिए सुटेबल हो जाएगा। और नहीं भी तो कोई मस्त नहीं है, हम एक YouTube के माध्यम से कुछ उस तरह से अर्न नहीं करना चाहते हैं कि आपको जबरदस्ती बोले सब्सक्राइब ही कर लो, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि हम तो इसीलिए तो फिर 12th ग्रुप में हम चैनल को जो से जो लिंक मिलेगा उसको हम शेयर करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब कि आप 12th ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उस पर हम डेली तीन लिंक प्रोवाइड करेंगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का। आप उसको टच कीजिए और रेगुलर पढ़ाई कीजिए। मेरी भी दुआ है कि भले ही लॉकडाउन हो, लेकिन अगर हम लोग ठान लें कि हमको पढ़ना है और आगे बढ़ना है हमेशा, तो हम लोग बढ़ते रहेंगे, चाहे कोई भी रोकने वाला क्यों ना आ जाए। इसलिए इसी चीज को देखते हुए हम दो दिन पहले से ही स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन उसके लिए पूरा कुछ सामान वगैरह चाहिए, तो हम सब फिट कर चुके हैं। अब डेली हम शूट करेंगे, अपलोड करेंगे, लिंक को शेयर करेंगे ग्रुप में, और फिर आप इसका फायदा उठाइए। धन्यवाद, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो हम लोग डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।